जीवन का उत्सव ही उस प्रभु की भक्ति है, उसकी पूजा है। रीति रिवाज और अनुकरण से की गई पूजा उस तक पहुंचेगी कि नहीं, पक्का नहीं है, क्योंकि उसमें स्वच्छंदता और सहजता अनुपस्थित है। लेकिन यही पूजा उत्सव का रूप लेते, जैसे रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य, मीरा, ये लोग जीवन के उत्सव में लीन हो गए। फिर पूजा करनी नहीं पड़ी, पूजा हो गई, भक्ति घट गई, इनके फूल खिल गए और इनकी सुगंध हर जगह पर फैल गई। हाँ, इनकी प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि ये वही हो गए अपनी प्रार्थना में जो ये हैं। इन्होंने अपने होने को प्रकट किया, उसके चरणों में चढ़ा दिया। बाहर के फूल तुम चढ़ाते हो वो तो सिर्फ सांकेतिक है, तुम्हें अपनी आत्मा के फूल को चढ़ाना है, तभी असली प्रार्थना घटेगी। पूजा का भी कोई क्रम हो सकता है क्या? अपने प्रेमी को प्रेम करने का भी कोई क्रम हो सकता है क्या? उस क्षण में जब तुम उसकी पूजा में हो, अगर वही घिसे पिटे शब्द दोहरा रहे हो तो ये तो मन का ही खेल है, तुम्हारा हिसाब किताब ही है। तुम्हारा हृदय कहाँ है? अपनी पूजा को जीवन का उत्सव बना दो। उत्सव एक पूर्णता भिन्न आयाम है। जब तुम उत्सव मनाते हो तो तुम सब कुछ मनाते हो, तुम विभाजन नहीं करते। एक उत्सव मनाने वाले के लिए प्रार्थना चाय पीने जितनी सुंदर है। चाय अपवित्र नहीं है और प्रार्थना अलग नहीं है, सब कुछ एक है। चर्च, मंदिर, मस्जिद और शराबखाना सभी एक है। किसी स्त्री या पुरुष के साथ प्रेम करना या किसी देवता की पूजा करना समान है। उत्सव विभाजन नहीं करता, ये एकता लाता है, ये चीजों को एक साथ लाता है, ये दुनिया में एकबद्धता सृजित करता है। द्वैत लुप्त हो जाता है और एकता होती है, और एकता के साथ खुशी होती है, कोई संघर्ष नहीं होता, कुछ भी पार करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ उत्सव में ही पार हो जाता है। पूजा करने वाले का एक लक्ष्य होता है, उसे उससे प्राप्त करना होता है। उत्सव मनाने वाले का कोई लक्ष्य नहीं होता, उसने उससे पहले ही प्राप्त कर लिया है। पूजा हमेशा भविष्य उन्मुख होती है, उत्सव वर्तमान उन्मुख होता है। तुम इस पल का उत्सव मनाते हो, तुम किसी अन्य पल की पूजा करते हो, यही साधना का सार है। ये ईश्वर का उत्सव है, पूजा नहीं, और अपने ही तरीके से उत्सव मनाओ, क्योंकि उत्सव कोई रूप नहीं ले सकता। पूजा रूपों में पत्थर की तरह जम जाती है, उत्सव जीवित रहता है और सब कुछ दिव्य है, कुछ भी अपवित्र नहीं। जीवन की हर घड़ी का, हर एहसास का उत्सव मनाओ, ना कोई बंधन, ना कोई द्वंद्व, सब में एकता का गीत गाओ। प्रणाम।